एग्जाम्पल नंबर टेंथ, लेट्स बिगिन विद दैट. वी हैव थ्री पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 5:3:2. देन दे रिवर्स टू द ऑर्डर एंड नाउ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज, यस, क्या रेशियो हो गई, डिजिट इंटरचेंज कर दिए, राइट? सो नाउ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गेट्स चेंज. सो ये हिंट है हमारे लिए कि क्वेश्चन हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है. लेट्स सी, आई हैव एक्स इज टू वाई इज टू जेड एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2. देन दे डिसाइडेड टू हैव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मिडल वाले को सेम ही रखा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना मैंने कौन सा इस क्वेश्चन में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालनी है. मैंने सिंपली क्या करना है, रिजर्व्स को डिवाइड करना है. एंड आई हैव द बैलेंस शीट, ओनली लाइबिलिटी साइड एंड ऑन एसेट साइड वी हैव ओनली वन फिगर. वट एवर इज अपेयरिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड दैट आई एम गोइंग टू राइट ऑफ फर्स्ट. वट एंट्री आई विल पास, वट एंट्री आई विल पास टू डिवाइड माई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स. वट एंट्री शुड बी पास, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड. बोलो आगे और क्या दे रखा है, पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड. और क्या दे रखा है, डब्ल्यू सी आर अकाउंट डेबिटेड. बाय द होल अमाउंट ऑफ डब्ल्यू सी आर आई एम ट्रांसफरिंग और आई एम डेबिटिंग बिकॉज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लेम इज गिवन इन द क्वेश्चन. हैड ही बीन गिविंग मी सच एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लेम देन अमाउंट रिलेटेड टू क्लेम आई विल बी ट्रांसफरिंग टू द क्लेम अकाउंट एंड रेस्ट बैलेंस आई विल बी ट्रांसफरिंग बिटवीन माई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज इट इज नॉट बीन गिवन इन द क्वेश्चन. सो होल अमाउंट आई एम डिवाइडिंग इन विच रेशियो, एवरी टाइम ओल्ड रेशियो. ठीक है, टू वॉट कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल. सो राइट डाउन द अमाउंट, 75,000, 37,500, दिस इज 12,500. ये बन गया 50, 50 में 75 ऐड किया, 125 को डिवाइड करो भाई 5/10, हाफ हो गया 62,500. 125 का 3/10 37,500, चेक करो. ठीक है, अगला बोलो 25, क्योंकि इन दोनों का टोटल 1,00,000 बन जाना है तो 25 ही तो रह गया बाकी. व्हाट एंट्री विल यू पास टू राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, रिवर्स एंट्री आई विल बी पासिंग, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बिकॉज दैट इज माई फिक्टिशियस एसेट. Whenever the fictitious asset is to be written off, we just credit them in the entry. So my second entry will be X capital account debited, Y capital account debited. Here we write Z capital account debited, and what we are going to write off, that is advertisement suspense. Advertisement suspense account. That is given in the question, students. That is 50,000, right? Divide करिए 50,000 को. 50,000 का 5/10 half हो गया. 50,000 का 3/10 15, and the last partner will suffer because once we are debiting their capital, so they are losing in this case, right? So this loss related to a fictitious asset we transfer to their capital accounts. Come to 11th. Read 11th illustration yourself, everyone. Start reading. Yes, students, read it. 11th, example number 11th. See how many partners are given in the question. Example number 11th. We have three partners. Samiksha, Ash and Divya. So Samiksha, Ash and Divya are three partners given in the question. Their profit sharing ratio is 5:3:2. Then they decided to change their ratio to 2:5:3. Hame koi farak nahi padta. न्यू रेशियो भी है, ओल्ड रेशियो भी है, मैंने सारी एंट्रीज में ओल्ड रेशियो ही यूज करनी है.
had it been the question of goodwill, तो goodwill के केस में मैं sacrificing और gaining निकालती हूँ. Why? Because gaining partner is supposed to give the compensation to the sacrificing partner. Why the books are being shifted from here and there? Tuition work हो रहा शायद, कुछ तो हो रहा है, which is objectionable in the class. Their balance sheet showed a debit balance of 50,000 in the P&L account. What is the meaning of debit balance of P&L account? Okay, if it is a loss, so it is to be written off. And once it is being written off, the partners are to be debited and P&L account is to be credited. I should pass the first entry. Karun pehli entry. Kya entry banegi? Samiksha's capital account debited. Ash's capital account debited. Divya's capital account debited. To what? P&L account, which we call profit and loss account. How much profit and loss he is telling me? That is 50,000. So I am using my old ratio here. This is old ratio. This is 25,000, 15,000 and 10,000. IFR kitna appear kar raha students? IFR is appearing at rupees 40,000. Lekin niche investment ki value mein kitna downfall hai? Padho. So 20,000 we will utilize to write off that loss and rest 20,000 I will be dividing between or among my three partners. What entry we will pass? Chalo Anushka. IFR ko pehle loss ke against cover karo. Transfer karo means loss cover karo IFR ke against aur balance ko transfer karo partners mein. Yes, start it. To partners capital. What about the loss of investment? जो 20,000 की इन्वेस्टमेंट का डाउनफॉल हुआ है उसका क्या करना है? उसे क्रेडिट करना है, बुक में सारा कुछ है. क्रेडिट क्यों करना है प्रभनूर? क्रेडिट क्यों करना है? हाँ, किसी भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसे क्रेडिट करना है. ये वाली एंट्री ठीक है, इसने ठीक बोली. क्या उसके बाद एक रिवैल्यूएशन की एंट्री भी आएगी? क्या होगा उस रिवैल्यूएशन में? प्रॉफिट होगा कि लॉस? Whenever the investments value or assets value comes down, there is a loss. And in order to divide that loss, we have to debit the partner's capital account and we have to credit revaluation account. बहुत बार बताया हुआ ये, right? चलिए जी करवाइए. IFR account debited with rupees, आपने full form लिखनी है वहां पे, 40,000. To investment, कितना downfall हुआ investment में? 20,000. To समीक्षा कैपिटल, टू एश कैपिटल, डिवाइड करो अमाउंट कैलकुलेट करके रखो, टू दिव्यास कैपिटल. समीक्षा कैपिटल 5/10, 20,000 का 5/10 10,000, 3/10 6,000, 4/10 सॉरी 2/10 4,000 डिवाइडेड. अब क्या हुआ है? बैठे बैठाए हमें इन्वेस्टमेंट के कारण, इन्वेस्टमेंट में डाउनफॉल के कारण लॉस हो गया. दैट लॉस आई विल बी ट्रांसफरिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड आई विल बी डेबिटिंग फॉर दैट माय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कितना लॉस हुआ भाई? 20,000. क्या लिखेंगे? समीक्षा कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, दिव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, to revaluation, being loss on revaluation transfer to their capital account in their old ratio. And the loss is 20,000, 20,000 ka 5/10, 10,000, then again 6,000 and 4,000, very easy to calculate kyunki pehle se divide kiya. Theek hai ji, aur kya hai hamare paas? Yes, who will tell me about the treatment of goodwill? Maine nahi batana. Abhi main keh ke ek sentence hati hu. Whenever there will be a treatment of goodwill in the question, we have to calculate gaining and sacrificing. So is this required in the question now? Required hai gaining or sacrificing nikalo fir tino. Old or new maine pehle board pe likha tha. It's your turn. Calculate gaining and sacrificing of all the three partners. Hurry up. Dekho kisko gain ho raha hai, kisko sacrifice ho raha hai. Aapne kuch bhi nahi karna. Copy kholni hi nahi. Copy kahan hai? Kholni hi nahi. Gaining or sacrificing aapne nahi nikalna. आप इसी क्लास के हैं बेटे, सुनते तो घर में भी थे.
5:3:2 is your old ratio, and the new ratio is 2:5:3. Samiksha's sacrifice. Formula sacrifice के लगाते हैं, अगर negative में answer आएगा तो gain हो जाएगा. 5/10 - 2/10, so it is sacrifice. This partner is sacrificing. ठीक है, sacrifice ही है. आगे चलते हैं. Add sacrifice. 3/10 - 5/10 - और अगले का मैं orally बता सकती हूँ -1/10, क्योंकि मैंने आपको सिखाया हुआ है जितना एक का sacrifice है उतना ही दोनों का मिला के gain होगा. जब एक का gain मेरे को पता चल गया तो can't I calculate the other person's gain? आप फॉर्मूला चाहे लगा के कर लो, 2/10 - 3/10 = -1/10. सो हु इज गोइंग टू डेबिट इन दिस एंट्री? दीस टू पार्टनर एश एंड दिव्या आर टू बी डेबिटेड इन द एंट्री, एंड द गुडविल इज व्हाट? 3 लाख. 3 लाख का 2/10 60,000, 3 लाख का 1/10 30,000. करें एंट्री. फिर क्या एंट्री बनेगी? एश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, दिव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, समीक्षा कैपिटल. इट इज विथ 60, इट इज विथ 30, एंड कुल मिला के समीक्षा को कॉम्पनसेशन मिलेगी 90,000. नरेशन पढ़ लीजिए. एन एडजस्टमेंट एंट्री, बींग वर्ड आप लिखाना साथ में, बींग एन एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ठीक है, सो ये एडजस्टमेंट एंट्री है. गुडविल की वैल्यूएशन उसने दे रखी है क्वेश्चन में. सो गेनिंग पार्टनर्स आर सपोज्ड टू गिव कॉम्पनसेशन टू माय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. नाउ अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, द क्वेश्चन वाज ऑफ अनडाउटेडली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड इन द क्वेश्चन वी वर हैविंग बोथ द रेशियोज गिवन. वन इज सैक्रिफाइसिंग एंड अदर इज व्हाट, सॉरी, वन इज ओल्ड रेशियो एंड अदर इज व्हाट, न्यू रेशियो. लेकिन कहीं पर भी मैंने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग नहीं निकाली एक्सेप्ट गुडविल. But sometimes in the question, he may add a line. The partners decided not to change the value of reserves and accumulated profits and losses. Are decided not to change the value of reserves and profit and loss. It means कि वो चाहते हैं कि जितना रिजर्व आपका बैलेंस शीट में पहले है उतना ही अब रहे. Means वो नहीं चाहते कि रिजर्व को डेबिट किया जाए. वो नहीं चाहते कि पी एंड एल अकाउंट को डेबिट करके खत्म किया जाए. दे वॉन्ट इट शुड रिमेन इंटैक्ट. ये लाइन लिखी होगी क्वेश्चन में. इन दैट केस यू विल बी, व्हाट यू विल बी डूइंग, ऐसे मैं अपनी एक इमेजिनरी एग्जांपल से पहले बताती हूँ. फॉर एग्जांपल, इन द क्वेश्चन वी हैव जनरल रिजर्व 10,000, वी हैव IFR 20,000, वी हैव पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस 10,000, we have advertisement suspense, चारों चीजें मान लो एक क्वेश्चन में है, that is 10,000. ठीक है, अब उसने बोला इन चारों चीजों की वैल्यू मैंने एज इट इज रखनी है. मैं तो एंट्री में इन्हें डेबिट करके और इसे क्रेडिट करके खत्म किया करती थी. अब वो कहता है ना इनको डेबिट करना, अगर मैं डेबिट करूंगी तो खत्म हो जाएगा, अगर मैं इसको क्रेडिट करूंगी तो ये खत्म हो जाएगा. वो कहता है they decided not to change the value of these reserves and accumulated profits and losses. Then what to do? You just have to find the grand total of it. जो चीजें क्रेडिट होती हैं पार्टनर्स की कैपिटल में उन्हें प्लस करिए, और जो पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट होता है वो उसके टोटल में से माइनस कर दीजिए. मैं एक एडजस्टमेंट बनाऊंगी. दिस कम्स टू मी 40, 10,000 ये माइनस होना था कैपिटल में से, टोटल बना 30. जो भी उसका नेट इफेक्ट आएगा उस नेट इफेक्ट को आपने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग से मल्टीप्लाई कर. मीन्स ऐसे हालातों में अगेन आपने गुडविल की तरह ही ट्रीटमेंट करनी. जैसे गुडविल की ट्रीटमेंट के टाइम पे हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकाला करते थे, सेम वी विल बी डूइंग हियर. एंड फॉर दैट पर्पस फर्स्टली आई विल बी कैलकुलेटिंग दिस नेट इफेक्ट. ठीक है, मान लो पहले वाले क्वेश्चन में एक पार्टनर को क्या हुआ था, सैक्रिफाइस, तो 30,000 का सैक्रिफाइस 3/10. समीक्षा क्या होगी एंट्री में, क्रेडिट होगी कितने से, 9,000 से. 30,000 का 2/10 and 1/10 वो कॉम्पनसेशन देंगे कौन, दिव्या और ऐश. मीन्स वहां पे सिर्फ एक एंट्री होगी. 11th क्वेश्चन को अगर मैं इसी मेथड से करूं तो आई विल जस्ट बी पासिंग वन एंट्री फॉर व्हाट, एडजस्टमेंट ऑफ योर जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस. व्हाट इट, बार बार नहीं करने की जरूरत, जनरल रिजर्व डेबिटेड, IFR डेबिटेड, WCR डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नो, आई विल बी कैलकुलेटिंग इट्स नेट इफेक्ट.
because the wording he himself is writing in the question, whereby he is restricting us not to change the value of these reserves and accumulated profit and loss. जरा थ्योरी वाला पैराग्राफ देखो, उसमें से कोई भी एमसीक्यू बना सकता है. लेट सी, दिस इज बिफोर इलस्ट्रेशन नंबर 12 और आफ्टर इलस्ट्रेशन नंबर 11. वी हैव अ बिग पैराग्राफ. हेडिंग फिर से वही बनाया, ये हेडिंग तो हम कर चुके हैं वैसे भी. एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन दीज आर टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स. जब हम चाहते हैं कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज इट इज रहे, राइट? इट मींस कि हम उसे एंट्री में डेबिट और क्रेडिट नहीं करना चाहते. पढ़ो जरा. पार्टनर्स में डिसाइड दैट द एग्जिस्टिंग बैलेंसेस ऑफ पी एंड एल अकाउंट और रिजर्व शुड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. अंडरलाइन करो, शुड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एट द सेम अमाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ अ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ फर्म या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म? रिवैल्यूएशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बताओ. रिवैल्यूएशन के बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलना उसे. बड़ी अच्छी डेफिनेशन बनाई. व्हेन? बिल्कुल ठीक है. When old partnership deed comes to an end and a new agreement comes into existence, we call it reconstitution. It may occur at the time of change in profit sharing ratio. It may occur at admission, retirement, death, or even at amalgamation of firm. Five occasions करवाए तो मैं from the day one I am telling you. Admission के chapter में भी किया, इस chapter में भी किया. That is the meaning of reconstitution. When old agreement comes to an end, and in place of that we just bring forward a new agreement, partnership agreement. But firms continues. However, the partners are entitled. कहता है ये तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस और रिजर्व्स का बैलेंस एज इट इज रखना है, लेकिन उन हालातों में पार्टनर्स के पास राइट है कि उन्हें इन रिजर्व्स में हिस्सा मिले, और अगर रिजर्व में हिस्सा डिमांड करते हैं तो उन्हें लॉस भी बियर करना पड़ेगा. ठीक है. फॉर दैट पर्पज वॉट टू डू, देयर फोर टू गिव इफेक्ट एन एंट्री. अंडरलाइन करो, एन एंट्री ऑफ नेट इफेक्ट. ये मैंने निकाला था नेट इफेक्ट. जो चीजें पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाती हैं उन्हें प्लस कर दीजिए, जो पार्टनर्स की कैपिटल को माइनस करती हैं उन्हें बीच में से डिडक्ट कर दीजिए. ये पार्टनर्स की कैपिटल में तीनों चीजें क्रेडिट होती थी, फिक्टिशियस एसेट और पीएनएल का डेबिट बैलेंस पार्टनर की कैपिटल में से क्या होता था? माइनस. तो मैंने माइनस कर दिया ना. सो आई विल बी कैलकुलेटिंग नेट इफेक्ट. ये एक इलस्ट्रेशन तब मैंने बोला था कि ये एडमिशन के चैप्टर में नहीं होनी चाहिए, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की है. तो उस टाइम पे भी हमने नेट इफेक्ट, रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट देखा. तो यहाँ पे वो हमें रिजर्व्स का और पी एंड एल का नेट इफेक्ट सिखा रहा है. सो फॉर दैट पर्पस वी विल बी गिविंग द शेयर टू आवर पार्टनर्स फॉर द नेट इफेक्ट ऑफ व्हाट? रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इज पास्ट सिंस दे वर अर्नड इन द पास्ट. क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं, रिजर्व्स हो गया या पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस हो गया, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पहले फर्म ने अर्न किए थे, तो पार्टनर का राइट बनता है उनमें उन्हें हिस्सेदारी मिले. So that's why we will be calculating a net effect, and for that we will be passing an entry which we call an adjustment entry. The gained or sacrificed profit share of each partner is calculated, and for that purpose an adjustment entry is being passed. Who is going to debit in the entry? Who is going to be debited in the entry? Who is going to be debited in the entry? Wow, good, I'm impressed. Who is going to be debited in the entry? ऊंचा बोलो, कुछ तो बोलो. चलो मैं भी चुप हूं, फिर रहने दो. जब मैंने इतना कुछ बोल दिया आप उसका आंसर ही नहीं कर पा रहे, तो व्हाई आई एम टीचिंग यू? हु इज गोइंग टू बी डेबिटेड इन द एंट्री? तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या होता था? हु इज गोइंग टू बी डेबिटेड इन द एंट्री? तो सेम ही तो बोला यहां पे होना. हु इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड इन द एंट्री? व्हाई वी आर गोइंग टू डू सो? बिकॉज ही हिमसेल्फ इज सेइंग देयर शुड नॉट बीइंग चेंज in the value of reserves and accumulated profits and losses. It means ki main unhe entry mein debit or credit nahi kar sakti, mere upar restriction hai. So in place of that, in place of passing three or four different entries, I will just be passing an entry which I call adjustment entry. Sare steps jo maine aapko samjhaye hain usne bataye hain. Main seedha illustration number 12 pe aaungi aur fir back exercise questions dekhenge. Chaliye ji, An, Ban and Shan are three partners. 12th illustration dekhiye jaldi se. See 12th illustration everyone. देखो profit sharing ratio और gaining और sacrificing निकाल के रखो सभी लोग, क्योंकि हमें अब hint है कि ये question दूसरा होने वाला है. An, Ban and Shan, 12th illustration, calculate gaining and sacrificing ratio everyone.
गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी माई फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट स्टार्ट एट एग्जाम्पल नंबर 12. दिस इज आन इज टू बान इज टू शान आर पार्टनर्स 3:3:2. देन दे डिसाइडेड दैट वी विल शेयर इक्वली. सो दिस इज योर ओल्ड रेशियो, दिस इज योर न्यू रेशियो. मैं फॉर्मूला किसका लगाऊंगी? सेक्रीफाइसिंग का. अगर आंसर नेगेटिव में आएगा तो उस बंदे को गेन होगा. करें आंस सेक्रीफाइस. थ्री बाय एट माइनस वन बाय थ्री 24. नाइन माइनस एट 1/24. सेक्रीफाइस है क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आया है. बांस सेक्रीफाइस सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि सेम ही है सब कुछ इनका, वो भी 1/24 होगा. अगले बंदे को मेरे को पता है गेन होना है दोनों के टोटल के बराबर. मैंने कैलकुलेट ही नहीं करना, मेरे को पता ऐसा ही होगा. ठीक है, अगर दो बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उसके ग्रैंड टोटल के अकॉर्डिंग अगले का गेन होगा. सो हु इज गेनिंग? शान इज गेनिंग. मेरे को ये भी पता चल गया एंट्री में शान इज गोइंग टू बी डेबिटेड बिकॉज शान इज गेनिंग. शान्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आंस कैपिटल अमाउंट. मैं बताती हूँ कैसे कैलकुलेट करनी. टू आंस कैपिटल टू बांस कैपिटल. चलिए जी आन बान शान देखें क्या क्या दे रखा है हमें. ही सेज जनरल रिजर्व का बैलेंस 72,000 था. अब कौन सी लाइन ने मेरे को बताया कि मैंने एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ऑल द पार्टनर्स नहीं करना, मैंने क्या करना है? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. इस लाइन ने मेरे को बोला ये. Instead of distributing general reserve, it was decided to record an adjustment entry reflecting the change in profit sharing ratio. So I will not be debiting general reserve. Had he not been writing this line, toh meri simple entry kya hoti hai? General reserve account debited to Aan's capital, to Baan's capital, to Shaan's capital in their old profit sharing ratio. So at the time, it was not required to calculate sacrificing and gaining. But in this case, we are supposed to calculate sacrificing and gaining. So what is the amount? 72,000. Into 1/24 कितने पे जाएगा? कितना कितने पे जा रहा है? हाँ कितना? 3,000. ओके 3,000 आन, 3,000 बान और शान को ओवरऑल कॉम्पनसेशन कितनी मिलेगी? 6,000. डन. एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर द जनरल रिजर्व at the time of change in profit sharing ratio and adjustment entry passed for the distribution of general reserve at the time of change in profit sharing ratio. Done. So this was your 12th illustration. Come at the back exercise. Net effect calculate karte hain. Dekhiye. पहले सारी एंट्रीज वाली हैं क्योंकि 18th का भी अगर आप लास्ट लाइन पढ़ो तो यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. 19th में सिर्फ उसने लिखा पास एन एंट्री. ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं मेरे पास, रिजर्व है मेरे पास, पीएनएल का बैलेंस है मेरे पास, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, बट इवन देन ही इज आस्किंग पास एन एंट्री. फर्स्टली आई विल बी कैलकुलेटिंग नेट इफेक्ट, देन आई विल बी कैलकुलेटिंग देयर सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग. Then I will be deciding who is going to be debited in the entry and who is going to be credited in the entry. Let's read 19th question from the back exercise, everyone. 19th question from the back exercise. चलिए जी, दिस इज एक्स इज टू वाई इज टू जेड, दिस इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, राइट. देन दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट कम्स टू अस दिस. गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पहले निकाल लेते हैं, नेट इफेक्ट बाद में देखते हैं, ठीक है. चलिए जी निकालिए एक्स सेक्रीफाइस. निकालो आप लोग, टेक 2 मिनट्स एंड कैलकुलेट इट. 3/10 क्या है? सेक्रीफाइस के गेन. एक्स का सेक्रीफाइस है, चलो आपकी बात मान लेते हैं. एक्स का सेक्रीफाइस है 3/10. 3/10 नहीं आना है, 5/10 माइनस 2/10 इज इक्वल टू 3/10. वो न्यूट्रल है हमारा वाई और उसका नेगेटिव, बिल्कुल ठीक. डन.
Now, I will be calculating net effect because foreign adjustment entry, I need net effect. Heading बनाएंगे, उसे बता के आना examiner को. Because यहाँ पे वो question as it is चलेगा और आपसे बोलेगा, with what amount the entry is to be passed. It means in that case, he will be asking from you calculate net effect. तो आपको वहाँ पे working notes बना के OMR sheet में tick करने से पहले, आपको पहले ये calculation करनी हो. Net effect की calculation he may ask in MCQ. Ditto question he can put and he can ask calculate net effect. And he will be giving you the options, right? Calculation of net effect. पढ़िए जी. General reserve is to be added. मैं इसके साथ plus का sign डालूंगी. General reserve की amount 6000 है. P&L का अगर debit balance होता तो negative होता. लेकिन अब P&L का credit balance given है. मैं इसके साथ भी positive sign डालूंगी. 24,000, then advertisement suspense है, पहले दोनों को add कर लो, advertisement suspense negative के साथ है, this is advertisement suspense, that is minus 12,000, so net effect I calculated, 18,000, 18,000 का 3 by 10, 5,400, entry क्या बनेगी, this is Z's capital account debited to X capital with rupees 5,400, देखो check करो answer, done? Who is going to be debited in the entry? Who is going to be debited in the entry? Gaining or sacrificing? Gaining partner. And who is gaining partner here? Z. Z's capital account debited to X capital. 18th karna shuru karo. It's your turn. 18th karo aap. 18th mein journal entries puchi hai. Pura full-fledged question hai. Solve it, hurry up. Everyone. 18th question everybody will solve. Teen char entries hai. Pass karo. Then we will discuss. बता दीजिए मेरे को क्या है. दो ही तो पार्टनर है, 1/10 - 1/10. सो वन पार्टनर इज गेनिंग, अनदर इज व्हाट, सैक्रिफाइसिंग. जनरल रिजर्व की एंट्री क्या करोगे, ऑरली डिस्कस करते हैं. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू भव्यास कैपिटल टू साक्षीज कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहता 20,000 हो गई, पहले कितनी थी 30,000, 10,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई, बाकी 10,000 हम पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिवाइड. वी विल कंटिन्यू विद इट. कल जब लेक्चर स्टार्ट होगा यू विल टेल मी कि फर्स्टली वी विल सॉल्व दिस, राइट.